हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्टेंट क्लासेस। सो आज का क्लास जो हमारा होगा, आज हम लोग फुल मॉक करेंगे। हमारा फुल मॉक होगा, इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा। पूरा 35 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए, ये रहा आपके सामने मॉक, आप इसको बनाने का खुद से ट्राई कीजिए। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस फॉलोइंग सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आप वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं खुद से, या फिर चलिए हम सॉल्व करते जा रहे हैं। आप देखते जाइए आपके क्या आपका लॉजिक यहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ जो आया है ना लॉजिक, ए है, आई है, के है, ये इंटर रिलेटेड है वर्ड्स। देखो यहाँ से दो हटा, यहाँ से दो हटा, ए बी सी, एक छोड़ के सी को ऐड किया हम लोग, और वाई से जेड से पहले जस्ट क्या था वाई, तो उसको हम ऐड किया। फिर नेक्स्ट क्या हम लोग करेंगे, यहाँ से दो हटा, यहाँ से दो हटा, तो क्या बचा हमारे पास, एल एम ओ, एल एम ओ को यहाँ लिखा हम लोग, और सी डी ई, सी डी ई आता है, एक सी के बाद एक डी छोड़ करके ई में हमने यहाँ लिखा, वाई से पहले क्या था एक्स। तो इसी पैटर्न में हमारा यहाँ पे इसके क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इधर से दो हटा, इधर से दो हटा, मतलब एम तो रहने वाला है, मतलब ये ऑप्शन हमारा इलिमिनेट हो गया, ये हमारा ऑप्शन इलिमिनेट हो गया। ई एफ जी, जी आएगा, ई एफ जी, ई एक छोड़ के जी आया यहाँ पे, ओ एक्स से पहले क्या आता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू आता है, तो जी एम डब्ल्यू हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में आएगा। हो सकता है कि पेपर खुलने के साथ आपका पहला ही क्वेश्चन ये रहे। All railways are train. Second number, syllogisms. All railways are train. No train is a station. कोई भी ट्रेन जो है वो स्टेशन नहीं है। Some station are platform. कुछ स्टेशन जो है वो प्लेटफॉर्म है। Conclusion क्या है? All railway being platform is a possibility. सारे के सारे रेलवे जो प्लेटफॉर्म हो जाए ये पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। देखो रेलवे का सर्किल यहाँ है और प्लेटफॉर्म का सर्किल यहाँ, इन दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। हो सकता है हम इस तरीके से सर्किल बनाते हैं तो सारा सारा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो पॉसिबिलिटी इन लोगों में सही होगी। नो रेलवे स्टेशन इज अ प्लेटफॉर्म, कोई भी रेलवे स्टेशन जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है। देखो अगर हम इसको हटाते हैं, जो हमारा बेसिक सर्किल था, देखो यहां बोला गया है कि कोई भी बेसिक स्टेशन है, कोई भी ट्रेन जो है वो स्टेशन नहीं है, और सारा का सारा रेलवे जो है वो ट्रेन है। तो जो ट्रेन रेलवे है ट्रेन के सर्किल के अंदर में है, तो सारा का सारा रेलवे भी स्टेशन नहीं होगा, तो हमारा ये भी ट्रू हो रहा है। अब यहाँ पे ये फिर एक इस तरह का क्वेश्चन आ गया, सी डी ई, सी डी ई को अगर हम एक्स डब्ल्यू बी कहें। अगर आप वेटरन हैं, थोड़ा दिन से तैयारी कर रहे होंगे, देखते के साथ आप पकड़ गए होंगे कि ये क्या है। तो जी एच आई किससे रिलेटेड है, देखो सी का उल्टा होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स, डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी, का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ई का अपोजिट होता है वी। तो ये हमारा अपोजिट लेटर ऑफ वर्ड चल रहा है। देखो ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जी का अपोजिट टी, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी का अपोजिट होगा जी, टी, एच का अपोजिट हो जाएगा एस, एंड आई का अपोजिट हो जाएगा आर, इंडियन रेलवे, आई आर, टी एस आर, टी एस आर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं, जो कि एक पजल है। तो इस पजल को हम लोग सिस्टमैटिकली, मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ, ओके। इस पूरे पेपर को आप देखना, सॉल्व करना। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन इन अ ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग, आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, फिर बनाने का ट्राई कीजिएगा। इन स्पोर्ट्स इवेंट डिफरेंट गेम्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 7 days. 7 डे में डिफरेंट गेम शेड्यूल हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। मंडे को स्टार्ट हो रहा है, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आप इससे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पब्लिश करेंगे वो हम लोग SBI PO मेंस का एक एक्सपेक्टेड पजल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। That games to be held in three in the 7 days are basketball, football, boxing, sprinting. चलो यहाँ तक हमने ये सब देखा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा जो आपका स्क्रीन पे जगह लिया वो सिर्फ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया। शूटिंग शेड्यूल ऑन थर्सडे, सबसे पहला आया कि शूटिंग जो है वो आपको थर्सडे को है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे बोला है कि टू गेम्स आर शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे, तो सैटरडे में दो गेम है, ठीक है, एज वेल एज ऑन संडे, संडे को भी दो गेम है, एंड वन गेम ऑन ईच रिमेनिंग डे, तो बाकी सारे दिन जो है हमारे एक ही गेम है। और हमारा पहले ही लाइन बता दिया कि शूटिंग इज टू बी हेल्ड ऑन थर्सडे, बॉक्सिंग एंड साइकिलिंग आर टू बी शेड्यूल ऑन सेम डे। बॉक्सिंग और साइकिलिंग ये दोनों जो है वो सेम डे में है। देखो एकदम हम एग्जैक्टली उसी तरीके से बनाते हैं जैसे आप एग्जाम में लिखेगा, बॉक्सिंग एकदम राइटिंग बनाने की तो जरूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। रेसलिंग इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 3 डे बिफोर बास्केटबॉल। तो अगर आप लोग, कितने लोग इसमें कंफ्यूज हो गए, देखो यहाँ पे समझ लो, रेसलिंग जो है वो 3 डे ऊपर है बास्केटबॉल से, मतलब इन दोनों के बीच में दो आएगा, ठीक है। बास्केटबॉल यहाँ होगा और ये कोई भी ऊपर नीचे आ सकता है।
ठीक है, रेसलिंग इज शेड्यूल्ड इज टू बी हेल्ड 3 डेज बिफोर। तो यहाँ पे हमें यह भी बता दिया है कि रेसलिंग पहले रहेगा और फिर बास्केटबॉल आएगा, लेकिन ये 3 डेज बिफोर है, मतलब 2 दिन का गैप रहेगा। आप अगर थर्सडे को हैं, आप बोलिएगा 3 दिन पहले हम गए थे, कहीं गए थे, तो 3 दिन पहले कब होगा? मंडे होगा। 3 दिन पहले तो मंडे होगा ना, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं इसमें। रेसलिंग इज नॉट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन वेडनेसडे। रेसलिंग जो है वो वेडनेसडे को नहीं है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग इज शेड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर बॉक्सिंग। तो यहाँ पे देखो, बॉक्सिंग के इमीडिएटली के बाद वेट लिफ्टिंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे दो जगह चाहिए था, यहाँ पे बॉक्सिंग और साइकिलिंग हो, तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे बॉक्सिंग है, यहाँ पे साइकिलिंग है, यहाँ पे वेट लिफ्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वेट लिफ्टिंग कर दिया। बॉक्सिंग इज शेड्यूल्ड आफ्टर द बॉक्सिंग इज शेड्यूल, यहां तक हमने पढ़ लिया है। फुटबॉल इज शेड्यूल इमीडिएटली आफ्टर द डे रेसलिंग इज शेड्यूल, रेसलिंग के बाद फुटबॉल शेड्यूल है, ठीक है। हम लोग यहां लिख लेते हैं कि रेसलिंग के बाद फुटबॉल है, और कब है? इमीडिएटली आफ्टर है, तो यहाँ पे IMM होगा, इमीडिएटली। स्विमिंग इज नॉट शेड्यूल ऑन मंडे, तो मंडे को मेरा स्विमिंग नहीं है। अब कौन सा आप प्लेस कीजिएगा? देखो ये वाली हिंट तो हम लोग प्लेस कर चुके हैं, अब हमारा यही हिंट है जो कि प्लेस करना है, रेसलिंग दो छोड़ करके बास्केटबॉल। अगर हम यहाँ रेसलिंग ले, एक दो छोड़ करके बास्केटबॉल नहीं दे सकते, अगर हम यहाँ रेसलिंग ले तो एक दो छोड़ करके बास्केटबॉल आ सकता है, तो वही करते हैं हम लोग। यहाँ पे रेसलिंग हो गया, एक दो छोड़ करके बास्केटबॉल हो गया, ठीक है। अब हमें पता है कि और क्या प्लेस करना है, हमें स्विमिंग बचा हुआ है, और एक हमारा कौन सा बचा हुआ है, स्प्रिंटिंग बचा हुआ है, स्प्रिंटिंग। ओके तो देख लेते हैं कि कोई हम लोग इंट मिस कर रहे हैं क्या। बॉक्सिंग क्या है कि हमारा अभी 3 प्लेस बचा हुआ है, यहाँ यहाँ और यहाँ, 3 गेम हमारा बचा रहना चाहिए। हाँ देखो, रेसलिंग के बाद फुटबॉल है, तो यहाँ पे फुटबॉल आ गया। अब जैसे ही फुटबॉल को प्लेस कर लिया, स्विमिंग यहाँ नहीं आएगा तो स्विमिंग यहाँ आ जाएगा, स्विमिंग वहां गया तो एक बॉल हमारा कौन, एक गेम हमारा बचा है स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके आई होप कि आपको ये पजल अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग गेम्स इज शेड्यूल ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कौन सा गेम शेड्यूल है? फ्राइडे को है आपको बास्केटबॉल शेड्यूल है, तो बास्केट को टिक करो। विच ऑफ द फ्लोइंग गेम इज शेड्यूल ऑन संडे। संडे को कौन सा गेम शेड्यूल है? संडे को है हमारा रेसलिंग है और स्विमिंग है, तो यहाँ पे आपको बोथ वन एंड फाइव यहाँ पे आंसर रहेगा। ओके विच ऑफ द फ्लोइंग गेम इज शेड्यूल्ड ऑन संडे, तो बोथ यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। संडे को हमारा 2 गेम आ रहा है, तो 2 गेम तो रहना चाहिए। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन नंबर 6 रहेगा, बोथ बोथ 2 एंड 5, ठीक है, या फिर साइकिलिंग हटा के ऑप्शन नंबर 4 ही यही कर दो। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डेज स्प्रिंटिंग इज शेड्यूल, तो अभी हम लोग देखा स्प्रिंटिंग जो है वो मंडे को है। इसी तरीके से आप सारी चीजें को तो सॉल्व कर ही लीजिएगा। अब यहाँ से आपके सामने आता है एक स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड एक कंक्लूजन, दो कंक्लूजन, तीन कंक्लूजन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आता है एग्जाम में कि एक ही आपसे स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो ऑल अपार्टमेंट्स आर हट्स, सारे के सारे अपार्टमेंट्स जो है वो हट है। नो हट इज बिल्डिंग, कोई भी हट जो है वो बिल्डिंग नहीं है। ऑल बिल्डिंग आर कॉटेज, सारे के सारे बिल्डिंग जो है वो कॉटेज है। नो कॉटेज इज एन अपार्टमेंट, कोई भी कॉटेज जो है वो अपार्टमेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे हट और यहाँ पे हट और बिल्डिंग का रिलेशनशिप है, हट और बिल्डिंग के बारे में निगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन कट हम अगर हम कॉटेज को इस तरीके से बनाए, सारे के सारे आपको अपार्टमेंट जो है वो कॉटेज हो जाएंगे, तो हमारा ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। सेकंड, सम कॉटेज आर अपार्टमेंट, देखो कॉटेज यहाँ है, अपार्टमेंट यहाँ है, गलत। ओके तो अब यहाँ पे दोनों नाइदर टिक करोगे कि आइदर टिक करोगे, सम और नो का पेयर है, तो यहाँ पे आप आइदर टिक कीजिएगा, आइदर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आपके, नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, डायरेक्ट कंक्लूजन दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट यही, हम बार बार स्टेटमेंट को लिखा नहीं है, डायरेक्ट एक ही जगह लिख दिया है कंक्लूजन। नो अपार्टमेंट इज अ कॉटेज, कोई भी अपार्टमेंट जो है वो कॉटेज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको देखा कि नो कॉटेज इज अपार्टमेंट बोले या नो अपार्टमेंट इज कॉटेज बोले, दोनों सेम बात होती है, तो ये तो गलत होने वाला है। सम बिल्डिंग बिंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बिल्डिंग की अपार्टमेंट बन रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, नहीं नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट जो है वो सारा वो आपको हर्ट्स के अंदर में है, और कोई भी हर्ट्स जो है वो बिल्डिंग नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। यहां हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर। ओके यहां हुआ आइदर, यहां हुआ नाइदर। ओके
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, सम कॉटेज बीइंग अपार्टमेंट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कॉटेज की अपार्टमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है। अभी हम दिखाएं आपको कि कॉटेज का सर्किल हम बढ़ा देंगे तो आप कैसे हो जाएगा। और नो कॉटेज इज अ हट, कोई भी कॉटेज जो है वो हट नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ जब कॉटेज का सर्किल इस तरह बना रहे हैं तो कुछ के सारे सारे हट जो है वो कॉटेज हो जा रहे हैं। तो ये एक एक क्वेश्चन, आपका कितना सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेक कर लिया। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, यू नो द ड्रिल। फ्री क्लासेस भी अब सब तरह के स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग का फ्री कोर्स है, पजल का फ्री कोर्स है चैनल पर, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काम ही आएगा आपको। सम रिवर्स आर माउंटेन, सम रिवर्स आर माउंटेन, ऑल माउंटेन आर प्लेचू, सारे के सारे माउंटेन जो है वो प्लेचू है, नो प्लेचू इज सी, नो प्लेचू इज सी, ओके, सम सी आर रिवर, सम सी आर रिवर, देखो अब देखो अब सम सी आर रिवर आप फ्लो में इस तरीके से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको पहले ही ये रिवर इंट्रोड्यूस कर चुका है कि सम रिवर आर माउंटेन, ऐसे नहीं बनेगा ये स्टेटमेंट, ये सर्किल जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। सम रिवर आर सर्किल और नो प्लेचू सर्किल, कोई भी यहाँ पे इस तरीके से ये आपको फिगर बनेगा, वेन डायग्राम। सो कंक्लूजन नंबर आ देते हैं, 12 नंबर है ये और ये 13 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर बना, नो माउंटेन इज सी, कोई भी माउंटेन जो है वो सी नहीं है, सही बात है, क्योंकि सारा का सारा माउंटेन जो है वो प्लेचू है और कोई भी प्लेचू जो है वो आपको सी नहीं है, कोई भी प्लेचू जो है वो सी नहीं है। तो हमारा ये सही है कि नो माउंटेन इज सी। अब सम सी आर माउंटेन, कुछ सी आर माउंटेन, जब नो माउंटेन इज सी है तो सम सी इज माउंटेन, तो कैसे सही होगा। तो यहाँ पे हमारा एक कंक्लूजन सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे ओनली वन फॉलो हुआ, ओनली वन फॉलो। और नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ भी बन रहा है नो, सम नो का पेयर दोनों सेम है, यहाँ कॉटेज यहाँ अपार्टमेंट, यहाँ कॉटेज यहाँ अपार्टमेंट, लेकिन यहाँ दोनों गलत था, तब हमारा आइदर और का पेयर बना था। एक भी सही हो गया तो हमारा आपको आइदर और का पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे ओनली वन आंसर रहेगा। कंक्लूजन नंबर 13 पे आते हैं, आई होप कि क्लियर होगा, क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा आपको। सम रिवर एकदम आपका ये फाउंडेशन खोजता है ये सारा क्वेश्चन। सम रिवर मॉक बहुत अच्छा है, पूरा मॉक दो। सम रिवर विच आर प्लेचू आर नॉट सी, कुछ रिवर जो प्लेचू है वो सी नहीं है। तो देखो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, हाईलाइटर लेने दो, यहाँ पे इस पोर्शन के बारे में बात हो रही है कि ये जो पोर्शन है कुछ रिवर का जो कि प्लेचू है वो सी भी नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि ये प्लेचू जो सी में कोई कनेक्शन ही नहीं है। सम प्लेचू आर नॉट रिवर्स, कुछ प्लेचू जो है वो रिवर नहीं है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवर और प्लेचू में कोई निगेटिव रिलेशनशिप है ही नहीं, सारा का सारा प्लेचू यहाँ हो सकता है, एम हम ऐसे बना देंगे और एम हम इस तरीके से बना देंगे, तो सारा का सारा प्लेचू ही रिवर में जा सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सम रिवर और नॉट सम प्लेचू और नॉट रिवर, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सिर्फ सही होगा। नेक्स्ट, फिर आपके सामने एक स्क्वायर टेबल का सीटिंग अरेंजमेंट बनाने का कोशिश कीजिए, स्क्वायर टेबल का सीटिंग अरेंजमेंट है ये आपके सामने। चलो कॉर्नर वाले जो है वहां पे सेंटर देख रहे हैं, तो यहाँ पे बना दो, कॉर्नर वाले सेंटर देख रहे हैं, और यहाँ पे वाइल दोज हु सिट एट द मिडल फेस आउटसाइड, मिडल वाले जो है यहाँ आउट देख रहे हैं, तो यहाँ पे आउट बना दो, यहाँ पे आउट बना दो, ठीक है। टू फीमेल सिट एट द मिडल एंड टू एट कॉर्नर, तो दो फीमेल जो है वो कॉर्नर पे हैं और दो फीमेल जो है आपको मिडल पे हैं, ठीक है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ए जो है जी के सेकंड टू द लेफ्ट पर है, जी सिट्स एट मिडल ऑफ द साइड, तो हमें जी को यहाँ प्लेस किया, जी के सेकंड टू द लेफ्ट पे ए आ गया, ठीक है। सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ, सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ एंड इज नॉट एन इमीडिएट मेंबर ऑफ ए और जी, देखो यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ सी नहीं आएगा, ओके। यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो गई, सी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ हिज वाइफ एंड हिज वाइफ इज नॉट एन इमीडिएट मेंबर, सॉरी यहाँ पे सी की वाइफ नहीं आएगी, सी की वाइफ, सी इज वाइफ यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, और हमको क्या बोला है कि सी सिट्स फोर्थ टू द राइट,
8% का अरेंजमेंट है, फोर्थ टू द राइट है, मतलब सी और सी की वाइफ, सी की वाइफ आमने और सामने बैठे हैं। अब देखो यहाँ पे सी की वाइफ नहीं आ सकती, यहाँ नहीं आ सकती, मतलब एक ही जगह आया कि सी यहाँ आ जाए और सीज वाइफ जो है वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, वाइफ यहाँ पे आ रही है, मतलब यहाँ पे एक सर्किल हम फीमेल को सर्किल से डोनेट करेंगे, फीमेल को सर्किल एंड मेल को हम स्क्वायर से डोनेट करेंगे, मेल स्क्वायर फीमेल सर्किल। ओके, अब बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, बी जो है थर्ड टू द राइट ऑफ है बी हस्बैंड से, बी हस्बैंड यहाँ पे लिखा और इसके एक सेकंड मैं इसको सही से लिख दिया। यहाँ पे बीज हस्बैंड है और उसके थर्ड टू द राइट पर बी है, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड, बी हमारी फीमेल हो गई। बी डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, बी जो है वो कॉर्नर पे नहीं है और थर्ड टू द राइट ऑफ हर हस्बैंड है। ओके, ओनली डी सिट बिटवीन बी एंड एच, डी जो है वो बी और एच के बीच में है। ओके, एच इज द हस्बैंड ऑफ ए, एच जो है वो हस्बैंड है ए का, मतलब ए फीमेल है, एच मेरा मेल है, ई इज अ मेल, ई हमारा मेल है। ओके, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि देखो कौन सा हिंट है, बी जो है थर्ड टू द राइट है अपने हस्बैंड के और बी जो है आपको कॉर्नर पर नहीं है, बी जो है वो मिडल पर है, बी वह जो है मिडल पर, मतलब एक ये जगह बच रहा है एक ये जगह बच रहा है, यहाँ पे थर्ड टू द राइट पर सी है, यहाँ पे मतलब यहीं पे बी आ जाएगा और बी हस्बैंड यहाँ पे आ जाएगा, बी हस्बैंड। ठीक है, बी का हस्बैंड यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा हम क्लियर कर दे रहे हैं बोर्ड। ओके ठीक है, बी हस्बैंड वहां पे आ गया, बी यहाँ पे आ गई, बी हमारी फीमेल है तो यहाँ पे कर दिया क्योंकि हर एक साइड पे दो फीमेल और दो मेल हैं। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्लेस कर चुके हैं, बी और डी, बी और एच के बीच में डी है, मतलब यहाँ पे हमारा एच आ जाएगा, यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे एच आ गया, एच जो है हस्बैंड है ए का और ई एक मेल मेंबर है, देखो ई एक मेल मेंबर है और यहाँ पे एक मेल आ गया है। ठीक है, एक यहाँ पे फीमेल आ गया है, सी इज वाइफ है, मतलब एक यहाँ पे मेल आ गया है, मतलब यहाँ पे एक फीमेल मेंबर चाहिए, मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा और हमारा कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ, एफ हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हर एक इसमें दो फीमेल मेंबर होना चाहिए तो ए हमारा फीमेल हो गई यहाँ पे क्योंकि ए जो है एच की वाइफ है, तो यहाँ पे दो फीमेल हो गया, ये मेरा मेल हो गया, ये मेरा मेल हो गया। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन के आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन सिचुएशन, नो टू मेल आर इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, कोई भी दो मेल इमीडिएट नेबर नहीं है ईच अदर के, नहीं यहाँ देखो ना ये दोनों मेल है इमीडिएट नेबर है ईच अदर के। ओके, ये गलत हो गया, हमको ट्रू फाइंड करना है। ओके, जी एंड एच आर डज नॉट फेस ईच अदर इन द सिटिंग अरेंजमेंट, जी और एच जो है डज नॉट फेस ईच अदर इन द सिटिंग अरेंजमेंट, सही तो बात है, डी और एच जो है वो जी और एच एक दूसरे को फेस नहीं करता है। जी एंड एच डू नॉट फेस ईच अदर इन द सिटिंग अरेंजमेंट, सही बात है, जी और एच जो एक दूसरे को फेसिंग सीट अरेंजमेंट नहीं करता है। और कोई देख लेते, ट्रू है, ई एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ई और डी इमीडिएट नेबर है ईच अदर का, नहीं नहीं है, ई और डी इमीडिएट नेबर नहीं है, एफ इज मेल एंड सी डायगोनली अपोजिट टू ई, एफ नहीं फीमेल है, ए सिट्स इन द सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, ए सिट्स सेंटर पे है वन ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, तो ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, ये हमारा ट्रू है तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हमारा डू नॉट हटाना पड़ मिस हो गया होगा, जी एन एच फेस ईच अदर, थोड़ा सा टाइपो एरर है। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, Who among the following is B's husband? B का husband कौन है? अब देखो B का husband कौन आया? H आया। B का husband आया? E आया। E हमारा B का husband है। E हमारा B का husband हो गया। How many people sit between B and C when counted in anti-clockwise direction? Anti-clockwise direction में B और C के बीच में कितने लोग हैं? तो यहाँ दो लोग हैं। दो। Two. Who among the following is the wife of C? D हमारी wife. What is the position of E with respect to C? E का क्या position है with respect to C? E का क्या पोजीशन है? सेकंड टू द, यहाँ पे इनसाइड देख रहा है, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपके सामने मशीन इनपुट आउटपुट, हम लोग सीरियल वाइज क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं तो हम बनाते जाएंगे इसको सीरियल वाइज क्वेश्चन को, लेकिन आप बताओ कि क्या है इसका लॉजिक, थोड़ा देखो सोचो, जब तक हम पानी पी ले रहे हैं जब तक सोचो इसका क्या लॉजिक है।
देखो क्या हुआ है, हमारा ये इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा इनपुट है, फ्लाइट 37 डिले 5387 आवर 9:40 19:46, ये हमारा इनपुट हो गया। सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, देखो यहाँ 87 उठा, यहाँ आ गया, ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, ए उठा और यहाँ चला गया, और बाकी सब वैसे ही है, ठीक है, डिले आ गया 53 आ गया, आवर वैसे ही है 19 ऐसे ही है, 22 ऐसे ही है, 46 ऐसे ही है, ठीक है। अब लास्ट में हम जाते हैं कि लास्ट में क्या हुआ है, देखो 87 से बड़ा 53, 53 से बड़ा 46, 46 से बड़ा 37, 37 से बड़ा 19। सबसे पहले इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट स्टेप देखेंगे, लास्ट स्टेप देखेंगे, कुछ आइडिया लग ही जाता है। देखो यहाँ पे हम लोग ए अरेंज कर चुके थे, ओके, ए से बड़ा बी, बी से बड़ा डी, डी से बड़ा एफ, एफ से बड़ा एच, ये तो काफी आसान मशीन इनपुट आउटपुट आ गया। देखो नंबर जो आ रहा है ना, यहाँ पे नंबर फिक्स रख रहा है और अंदर की तरफ ऐड करता चला जा रहा है, यहाँ 53 ऐड किया, यहाँ 46 ऐड किया, यहाँ 37 ऐड किया, सिमिलरली इस तरह यहाँ ए ऐड किया, यहाँ बी ऐड किया, यहाँ डी ऐड किया, यहाँ एफ ऐड किया, यहाँ पे एच ऐड किया, ठीक है, ये काफी सिंपल आपको मशीन इनपुट आ गया। इसी अब प्री ही लेवल में इस टाइप का मशीन इनपुट आता है, एक जमाना था कि ये सब मीन्स में आते थे, ठीक है, पीजीडीएफ पर। आई होप कि यहाँ पे तुम समझ गए हो, और इसका यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन का, अगर तुम चाहो बनाना चाहो, आसान सवाल है, देखना कितना मिनट में तुम बनाते हो इसको, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देना और लिखना कि अपना टाइम कितना तुमको मिनट लगा बनाने में, ओके। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब डाटा सफिशियंसी में आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि आपका कैसे यहाँ पे ऑप्शन रहता है, ठीक है, तो हम लोग डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन अगर हम लोग स्टार्ट करें, ओके, तो चलो यहाँ पे हम आपको ऑप्शन, यहाँ पे देखो ये सवाल रहेगा 24, 25, 26, तीन सवाल एक साथ है, लेकिन तीन सवाल पहुंचने से पहले हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे एक सवाल रहेगा आपके सामने, एक सवाल रहेगा आपके सामने, इन विच मंथ ऑफ द ईयर डिज द कंस्ट्रक्शन बिगेन, कंस्ट्रक्शन किस महीने में स्टार्ट हुआ, ठीक है। आप यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दो स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, अगर सिर्फ अलोन से वन से आंसर आ रहा है तो आप ये कीजिएगा, तब आप इसको टिक कीजिएगा, अगर आप अलोन टू से आ जाएगा इससे कीजिएगा, दोनों अगर स्टेटमेंट वन से अलोन, स्टेटमेंट टू से अलोन अगर आंसर आ रहा है, भले ही अलग अलग आंसर आए, एक बोले फरवरी में स्टार्ट हुआ, एक बोले दिसंबर में स्टार्ट हुआ, लेकिन यूनिक आंसर मिल गया तब हमारा आइदर आ जाएगा दोनों से, ठीक है, बोथ, अगर दोनों को जोड़ करके आंसर आ जाए तो बोथ बोलिएगा, और दोनों मिला करके भी आंसर नहीं आए तो नाइदर बोलिएगा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा, ओके। द कंस्ट्रक्शन इंजीनियर करेक्टली रिमेंबर कब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, वो हमसे पूछ रहा था, कंस्ट्रक्शन रिमेंबर करेक्टली रिमेंबर दैट द कंस्ट्रक्शन बिगेन बिफोर सितंबर, सितंबर से पहले, आफ्टर मई, मई जून जुलाई अगस्त, तीन महीना बोला हमें, ओके, बट एट दैट पार्टिकुलर मंथ डज नॉट हैव 31 डेज, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त हमारा 31 डेज होता है, मतलब हमारा कंफर्म आंसर मिल गया कि जून में हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, दूसरा नंबर पर आते हैं, तो एक हमारा अलोन दे दिया, अब देखना कि दो अलोन देता है कि नहीं देता है। द बिल्डर करेक्टली रिमेंबर दैट द कंस्ट्रक्शन बिगेन आफ्टर फरवरी, फरवरी के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, बट बिफोर अक्टूबर स्टार्ट हुआ है, और वहां पे भी 31 वाले में नहीं हुआ, लेकिन फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इतना महीना आएगा, लेकिन यही देखो ना कि 31 वाला नहीं होना चाहिए, तो अप्रैल में 30 नहीं होता, जून में 30 होता है, अप्रैल में 30 होता है, जून में 30 डेज होता है, तो ये दोनों दो आंसर यहीं पे हम लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया, हमारा ओनली वन से आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी रन टीम एक्स मेक, टीम एक्स ने कितने रन बनाए, द अंपायर ऑफ द मैच करेक्टली मेंशन दैट द बैट्समैन ऑफ टीम एक्स स्कोर टू मोर रन, टीम एक्स का अंपायर जो है वो करेक्टली मेंशन करता है कि द बैट्समैन ऑफ टीम एक्स स्कोर टू मोर रन, द टीम वुड हैव वन बाई 28 रन, अगर दो रन और बना देता तो टीम जो है वो 28 रन से जीत जाती, मतलब 26 रन से जीती है, लेकिन हमें क्या पता कि कितना रन बनाया है टीम एक्स ने, तो हमें वन से आंसर नहीं आया। द कोच करेक्टली मेंशन दैट द बैट्समैन ऑफ टीम एक्स मिस्ड द सेंचुरी बाय दो रन, दो रन से सेंचुरी मिस कर गया बैट्समैन, 98 पर आउट हो गया, लेकिन हमको क्या पता कि टीम ने कितना बनाया, तो हम दोनों से आंसर नहीं निकाल सकते हैं, तो नाइदर नॉर हमारा आंसर हो जाएगा। 26 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस में कौन जो है वो शॉर्टेस्ट है, हमको शॉर्टेस्ट डिसाइड करना है। अब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि एस इज नॉट एज टॉलर एज आर, तो एस जो है आर से टॉलर नहीं है, बट
टॉलर देन क्यू, क्यू से बड़ा है, लेकिन शॉर्टेस्ट कौन है हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक या तो यहाँ आ जाएगा या फिर एक यहाँ आ जाएगा, जो हमारा कौन बचा हुआ है, पी बचा हुआ है, पी लास्ट में भी आ सकता है, पी सबसे टॉलेस्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे आर इज नॉट द टॉलेस्ट, तो सेकंड, जाहिर सी बात है सेकंड से सिर्फ हम आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन हमारे सेकंड जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दे रहा है, सेकंड जो है हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन दे रहा है, तो सेकंड के बारे में हम लोग ये यहाँ पे पी आ जाएगा यहाँ पर, और हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस पे आते हैं, व्हाट डज नी इन द कोड लैंग्वेज से, ओके व्हाट डज नी इन द कोड लैंग्वेज से, नी के बारे में हमें कोड निकालना है, तो देखो नी यहाँ है, फर्स्ट सिर्फ बात करें तो नी यहाँ है, सेकंड वाले में तो नी है ही नहीं, तो हम फर्स्ट सिर्फ नहीं निकाल पाएंगे, दूसरे वाले में अगर फी नी का है यहाँ पे, एन ऑनेस्ट में एन ऑनेस्ट ऑफिसर है, टू फी ना फी है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नी हम लोग कोड निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। ओके, नी का कोड हमें निकालना है, तो नी यहाँ है और हमारा एक नी यहाँ है, और हमें किसका कोड चाहिए था, लो का कोड हमें यहाँ से मिल जाएगा, कॉमन है, और पी ए का मिल जाएगा, सी ए का कोड नी सा यहाँ भी है, नी सा यहाँ भी, हम लोग निकाल नहीं पाएंगे कौन सा कोड है नी का, क्या कोड है, तो क्योंकि दो जगह कॉमन यही दोनों आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो नीसा नहीं है, तो हमारा नाइदर नॉर आंसर हो जाएगा, बोथ को कंबाइन करके, मतलब नाइदर नॉर मतलब कि हमारा ये हो जाएगा, डाटा इन द बोथ स्टेटमेंट इज टुगेदर नॉट सफिशियंट। ठीक है, इज जे अ सिबलिंग ब्रदर और सिस्टर ऑफ राशि, ऋषि का ब्रदर है या सिबलिंग है जे, ये हमको बताना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, जे मदर शानी, जे की मदर जो है वो शालिनी, इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ऋषि ग्रैंडफादर, ऋषि के ग्रैंडफादर की ओनली चाइल्ड है, तो ऋषि का यहाँ पे ग्रैंडफादर, ग्रैंड ऋषि ग्रैंडफादर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और शालिनी ही इसकी यहाँ पे रहेगी, शालिनी का बेटा हो जाएगा यहाँ पे, शालिनी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ ऋषि ग्रैंडफादर, ऋषि यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा पता चल गया ना कि ये सिबलिंग है, जय जो है वो सिबलिंग है, तो वन से भी हमारा आंसर आ गया। ऋषि फादर हैज अ डॉटर, ऋषि के फादर जो है, ऋषि के फादर हैज अ डॉटर, ऋषि फादर हैज अ डॉटर, ऋषि के फादर जो है उनका एक डॉटर है, ठीक है, स्मिता ऑफ स्मिता, स्मिता नाम बोल दिया, ऋषि फादर हैज अ डॉटर स्मिता ऑफ हुम जे इज द ब्रदर, जे जो है इसका ब्रदर है, हमें पता चल गया ना कि ये जो है ऋषि जो है इसका सिबलिंग है, इज जे अ सिबलिंग ऑफ ऋषि, तो जे हमारा सिबलिंग है, जे हमारा सिबलिंग हो गया ना ऋषि का, तो दो से भी हमारा पता चल गया, तो आइदर वन और टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बनाओ इसको, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबॉल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन इन द ऑर्डर इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन है, ये आपको ट्रू करना है, ये दोनों कौन से स्टेटमेंट में ट्रू होगा, यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को में कौन सा ये रिप्लेस करें जो कि ये ट्रू हो जाएगा। देखो के से हमको एम तक जाना है, के से हमको एम तक जाना है, ओके थर्ड में हमारा मिसिंग है ना, थर्ड में हमारा ये है, ठीक है, हमको के से एम तक जाना है, के से हम एम तक जाने के लिए अगर ये कौन सा साइन लें, ग्रेटर एंड इक्वल टू हमें आना चाहिए, तो इक्वल टू डाल देंगे तो यहाँ तक हमारा हो जाएगा के इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एम, एल से पी तक जाना है, अगर हम इक्वल टू डाल देंगे तो एल से हम पी तक भी जा सकेंगे, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, सो हमारा इक्वल टू यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन एच से एफ एज वेल एज जे से एफ विल बी डेफिनेटली ट्रू, हमको एफ से एच तक जाना है, एफ से एच तक यहाँ, तो इस वाले स्टेटमेंट देखें फर्स्ट में, तो एफ से तो ओपन गेट है हम यहाँ तक पहुंच गए, और जे से एच तक जाना है तो यहाँ क्लोज गेट है हम नहीं जा पाएंगे, इस वाले में देखें सेकंड वाले में देखें तो ओके ओके, जहां जहां एच है गाइस वहां पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है, ये ग्रेटर एंड इक्वल टू है, ये ग्रेटर एंड इक्वल टू है, ओके तो हमको कहाँ जाना है, एफ से एच तक जाना है, तो यहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे, यहाँ क्लोज गेट है, ये हमारा गलत हो गया, एफ से एच तक जाना है, यहाँ हमारे चले गए, और यहाँ से हमको जे से एच तक जाना है, जे से एच तक भी हम चले गए, देखो यहाँ से ये है हमारा, एफ से एच तक जाना है, एफ से एच तक हम यहां तक गए, तो एफ ग्रेटर एंड इक्वल टू एच हमें मिल गया, अब हमको जे से एच तक जाना है, जे से एच तक गए तो जे इज लेस देन एच हमें यहां मिल गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे आते हैं,
31, 32, 33. इसके बाद दो क्वेश्चन और हमारा मॉक कंप्लीट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द गिवन एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू. ये एकदम डेफिनेटली ट्रू है, इसमें तो बताइए कि कौन सा ट्रू होगा. डी से ए तक जाना है, हमें नहीं जा सकते हैं. इक्वल टू सी देख के ही गलत लग रहा है. डी से सी तक जाना है, देखो डी से सी तक यहाँ क्लोज गेट मिल गया, नहीं जा सकते हैं. बी से ई तक जाना है, तो बी से ई तक हम लोग नहीं जा सकते हैं. ठीक है, तो नन ऑफ द अबव हमारा सही हुआ. लेंथी पेपर के तरफ भागा ये. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन एल से पी इज डेफिनेटली फॉल्स. एल से पी जो है वो डेफिनेटली फॉल्स है. एल से पी यहाँ पे ट्रू है. एल से पी ओके, यहाँ पे तो हम लोग पी इक्वल टू एन और क्या है, एन इज ग्रेटर इक्वल टू एल एम. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए. एल से पी जो है डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए. देखो यहां से यहां तक जाएंगे तो ये हमारा एक गलत हुआ, ये वाला हमारा एक गलत हुआ, लेकिन डेफिनेटली फॉल्स बोला है. यहां तक अगर हम यहां से जाएं तो इसमें भी हमारा ये गलत हुआ, क्योंकि हम एल से पी तक नहीं जा सकते हैं. इस वाले में अगर हम जाए फोर्थ वाले में, तो हमारी एक रिलेशनशिप आ गया, एल इज ग्रेटर देन पी. एल इज ग्रेटर देन पी हमारा एक रिलेशनशिप आ गया, तो ये हमारा गलत हो गया. ठीक है, तो हमारे ये हमारा बिल्कुल ये तो हमारे रिलेशन ही शिप दे रहा है, हमें एल से एन तक जाना है. तो ये वाला क्वेश्चन हमको लग रहा है कि थोड़ा सा मेस अप हो गया है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन एल से पी विल डेफिनेटली फॉल्स. एल से पी हम इसमें भी नहीं जा सकते हैं. एल से पी, एल जो है वो बड़ा है पी से. ओके, एल जो है वो बड़ा होना चाहिए पी से. यहाँ पे आपको ग्रेटर एंड इक्वल टू है, नहीं यहाँ पे लेस एन इक्वल टू होगा. पी पी इक्वल टू एन, लेस एन इक्वल टू एल इक्वल टू एम. तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप डेफिनेट रिलेशनशिप दे दे रहा है एल इज. ओके, इस क्वेश्चन को पेंडिंग में रखो. ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया और ये दोनों ही गलत हो रहा है. चलो इस क्वेश्चन को हम लोग रिलीव करते हैं. एक मार्क आप लोग अपना में जोड़ लीजिएगा. विच आर द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक. इस ब्लैंक में कौन सा हम लोग प्लेस करें सिंबल जो कि ये डेफिनेटली ट्रू हो जाए वी से जेड तक. मतलब हमको वी से जेड तक रिलेशनशिप चाहिए. अगर इसको हम लोग पुट करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम लोग इसको पुट करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम ये पुट करेंगे तो हो जाएगा. देखो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये यहाँ आया. वी से जेड तक हम लोग मूव कर गए, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. 34 एंड 35 केयरफुली आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज. ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी. एक टाइम तो ये देख के आपको लगेगा कि पॉइंट वाइज लिखा हुआ है. देखो यहाँ पे बस पॉइंट वाइज आपको पॉइंट बता दिया गया है. ए इज द मदर ऑफ बी, ए जो है वो मदर है बी की. सी इज द सिस्टर ऑफ ए, सी जो है हमारी सिस्टर है ए की. डी इज द फादर ऑफ सी, डी जो है वो फादर है सी का. बी इज द सन ऑफ ई, बी जो है वो सन है ई की. ओके, हो गया हमारा. बी जो है हमारा सन है ई का, मतलब ई जो है हस्बैंड हो जाएगा ई का. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ई इज अ मेल. ई एक मेल है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट की जरूरत है जिससे हम एस्टैब्लिश कर लें कि ई मेल है. देखो 1, 2, 3, 4 इसी वजह से नंबर है. देखो सी, अगर हम लोग यहां देखें, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी पहला स्टेटमेंट एंड बी इज द सन ऑफ ई. इन दोनों ही को तो कंबाइन करके हम लोग ये एस्टैब्लिश किया है कि ई जो है वो इसका बी का ये है फादर है. तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट जरूरत है. 1 और 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. कौन सा है? 1 और 4 3 नंबर है. ओके, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी. डी कैसे रिलेटेड है बी के साथ? तो ग्रैंडफादर है. ठीक है, 35 क्वेश्चन पूरे हो गए. ऐसा लगा बताना. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. हमारा बहुत सारा फ्री कोर्स चल रहा है. पजल का एक फ्री कोर्स चल रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग का एक फ्री कोर्स चल रहा है. ओके, देखना, ये सब सारे पेड क्वालिटी फ्री लेक्चर्स हैं. और आपको मेंस के क्लासेस चल रहे हैं, ये आपको फ्री मॉक की अलग सीरीज चल रही है. तो चैनल पर काफ़ी चीज़ें फ्री की चल रही हैं, तो जाके देखो, अच्छा लगेगा तो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ. फॉलो अस ऑन FB एंड Instagram. FB पे, Instagram पे हमें फॉलो कीजिए. टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, चैनल को फॉलो कर लीजिए. कुछ भी अपडेट होता है वहाँ हम आपको बता देते हैं. ओके गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस.